हे फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू योर चैनल बनास स्टडीज़। गाइस, हैप्पी होली। और होली के चक्कर में मैं वीडियोस रोज़ नहीं डाल पा रही थी, तो ये हम आज का लेक्चर जो है ना वो ब्लैक एंड रेड फेयर पे पढ़ेंगे। और ये जो बुक है ना, ये पुरातत्व अनुशीलन लेकिन पार्ट टू है, ठीक है। ये राधा वर्मा यानी राधाकांत वर्मा और डॉक्टर नीरा वर्मा की बुक है, परम ज्योति प्रकाशन इलाहाबाद है, ठीक है। और ये बुक जो है, जो पार्ट वन में हमें बहुत सारी साइट्स पढ़ने को मिलता है और हमें जो स्टोन एजेस हैं उनके बारे में पढ़ने को मिलता है। और ये बुक बेसिकली लौह युगीन संस्कृतियों, पात्र परंपराएं और एवं कुछ पुरास्थल इसमें हैं उन पे बेस्ड है। तो ये किताब अभी आपको मिलना मुश्किल है, हालांकि आप ये जो प्रकाशन है उनसे बात करिएगा, शायद आपको अवेलेबल हो जाए। तो एनीवेज हम ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि जो ब्लैक एंड रेड फेयर है उनके बारे में, ठीक है। कृष्ण लोहित पात्र परंपरा यानी कि ब्लैक एंड रेड वेयर से तात्पर्य उस पात्र परंपरा से है जिसके पात्र अंदर तथा मुंह के पास काले, मतलब अंदर का पार्ट और मुंह के पास वाला पार्ट काले, तथा शेष भाग में लाल रंग होते हैं। विभिन्न स्थलों तथा प्रयोगशालाओं में किए गए अनुसंधान से स्पष्ट हुआ है कि इस प्रकार के पात्र भट्टी में उलट कर रखे जाते थे, ठीक है, जिसके फलस्वरूप वह इस रूप में मिलते हैं, ठीक है। इस पात्र परंपरा का नामकरण व्हीलर ने लगभग 6 से 7 दशक पूर्व किया था, ठीक है। किसने किया था? मोर्टिमर व्हीलर की बात कर रहे हैं। कालांतर में यह सातवाहन पात्र परंपरा के नाम से भी जानी जाती थी। इसे प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते थे। कालांतर में हुए उत्खननों से ज्ञात हुआ कि यह पात्र परंपरा विभिन्न संदर्भों में तथा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिवेदित हुई है। इस पात्र परंपरा के पात्र नवपाषाणिक कांस्य कालीन आर्ध ऐतिहासिक तथा प्रारंभिक ऐतिहासिक संदर्भों में अन्य पात्र परंपराओं के साथ मिलते हैं, ठीक है। भारत में इस पात्र परंपरा का काल तथा विस्तार क्षेत्र सबसे अधिक है, ठीक है। प्रारंभ में इस पात्र परंपरा की उत्पत्ति के संबंध में भी बहुत विवाद था। इसे बहुत समय तक आर्यों से संबंधित माना जाता था। कुछ विद्वानों की धारणा थी कि भारत में इसका आगमन आर्यों के साथ हुआ, किंतु अब इस मत में कोई तथ्य नहीं है, ना ही इसकी पुष्टि के लिए साक्ष्य उपलब्ध है। कुछ पुरातत्ववेताओं के अनुसार इस पात्र परंपरा की उत्पत्ति यूनान के नवपाषाणिक ब्लैक टॉप्ड वेयर से संबंधित करते हैं, जो वहाँ पर भारत से अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन स्तरों से प्रतिवेदित हैं। विद्वानों की धारणा है कि व्यापार तथा वाणिज्य के माध्यम से इसने लोथल के द्वारा भारत में प्रवेश किया होगा, ठीक है। और ये जो एविडेंस है, ये जो कि जो हमारे एच ए सिंह हैं, इन्होंने 1982 में इनका पब्लिश हुआ था हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी ऑफ ब्लैक एंड रेड फेयर, ये उनकी बुक से, ये जो लाइन है ये उनके बुक से ली गई है, मतलब ये बात ये अपनी किताब में कहते हैं। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इस किताब को देख सकते हैं क्योंकि उनको इंग्लिश में किताबें चाहिए। सिंह के अनुसार इसका प्रसरण विचारधारा, ठीक है, विचारधारा मतलब आइडिया के माध्यम से भी हो सकता है। चूँकि इस प्रकार के पात्र वही अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन स्तर में मिलते हैं, इसलिए ये वहाँ से आए होंगे। बहुत पृष्ठ विचारधारा नहीं है, जब तक कि बड़े पैमाने पर लोगों के प्रवजन मतलब माइग्रेशन, लोग माइग्रेट हुए थे के प्रमाण नहीं मिलते, मतलब ऐसा लोग माइग्रेट हुए थे जब तक कि लोगों का माइग्रेशन हुआ था। लोग माइग्रेशन क्या होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके रहने लगना, ठीक है, के प्रमाण नहीं मिलते तब तक इस संबंध में कुछ कहना उचित नहीं है। भारत में इसकी स्वतंत्र उत्पत्ति को नकारा नहीं जा सकता। अभी इस संदर्भ में कुछ भी सिद्धांत प्रतिपादित करना उचित नहीं है, मतलब कुछ विद्वान कहते हैं कि ये बाहर से आया था, ठीक है, कहते हैं कि यहाँ पे जो हमारे यूनान से नवपाषाणिक ब्लैक टॉप्ड वेयर मिल रहा है ये बिल्कुल उससे उसी तरह है, मतलब उसकी सिमिलैरिटी उसके जैसी है। तो कुछ लोग विद्वान कहते हैं ये वहाँ से आया था क्योंकि लोथल में हमें बंदरगाह मिलता है ना, तो शायद व्यापार होता था और उसके द्वारा आया था। कुछ लोग कहते हैं नहीं, एक विचार के द्वारा आया था, कि मतलब विचार के द्वारा कैसे आएगा, कि मतलब वहाँ से कुछ लोग व्यापार के लिए इंडिया आए होंगे, मतलब यूनान से, और उन्होंने इस पात्र परंपरा को बनाना यहाँ के लोगों को बताया होगा। पर बहुत सारे विद्वान ये कहते हैं कि नहीं, इसकी जो उत्पत्ति है वो स्वतंत्र रूप से भारत से हुई है, मतलब कि यहाँ ये और इसका ओरिजिन ही भारत है, ठीक है,
पर क्या है यह भी कहा नहीं जा सकता। भारत में यह पात्र परंपरा सबसे प्राचीन संदर्भ में नवपाषाणिक, ताम्रपाषाणिक तथा कांस्ययुगीन संदर्भों में मिलती है। इन सब में इसकी प्राचीनतम तिथि कांस्ययुगीन संदर्भ में लोथल से है। हड़प्पी लोगों का संपर्क दक्षिण के नवपाषाणिक, ताम्रपाषाणिक लोगों से भी था, अतः इस बात की संभावना को नकारा नहीं जा सकता कि तकनीक का प्रसार हड़प्पी लोगों के माध्यम से हुआ होगा, किंतु स्वतंत्र रूप से तकनीक के विकास की संभावना भी हो सकती है। ये दोनों बातें कर रहा है कि मतलब हो सकता है ये प्रचार प्रसार से आई हो और हो सकता है स्वतंत्र रूप से यहाँ जन्म ली हो। कृष्ण लोहित पात्र परंपरा यानी कि जो ब्लैक एंड रेड वेयर है, गैरिक पात्र परंपरा यानी कि OCP, ठीक है, को छोड़कर विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में लगभग सभी प्रमुख पात्र परंपरा के साथ विभिन्न क्षेत्रों से मिलती है। इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, ठीक है। तो ये पात्र परंपराएं दी गई है ना, कि ये बताया गया कि जो पात्र मिले हैं वो इस टाइप के मिले हैं, ठीक है। ये देखिए, ये चित्र संख्या 4 में ये पात्र दिखाया भी गया है। ये टूटे टूटे मतलब एक पात्र के ये ऊपर का पार्ट है, ठीक है, ये भी ऊपर का पार्ट है, ये टूटा हुआ, इसके टूटे हुए पार्ट्स हैं, ठीक है। तो हड़प्पी संदर्भ में देख लेते हैं। हड़प्पी संदर्भ में यह विशेष रूप से गुजरात में लोथल, रंगपुर, रोजदी, तेसलपुर तथा सुरकोटदा आदि से प्राप्त हुई है। ये सब नाम रट लीजिएगा। इसके प्रमुख पात्र उन्दुतर बाहु के कटोरे, ठीक है, यानी जो कॉन्वेक्स साइडेड जो आपके बोल हैं वो के विभिन्न कॉन्वेक्स साइडेड बोल के विभिन्न प्रकार तथा स्टैंड स्टैंड हैंडल युक्त कटोरे, ठीक है, यानी कि स्टैंड हैंडल जो बोल है वो, उल्टी बारी के कटोरे, ठीक है जी, उल्टी बारी के कटोरे मतलब जो किनारा है वो ऐसे मुड़ा हुआ होता है, उसको बोलते हैं उल्टी बारी के कटोरे, ठीक है, तथा साधारण तश्तरियाँ, ठीक है, तश्तरी का मतलब क्या होता है, डिश, ठीक है, आदि अन्य प्रकार हैं। बर्तनों में प्राय अंदर की ओर काली सतह पर सफेद रंग से अलंकरण किया गया है। जो काली सतह है उस पर सफेद रंग का अलंकरण है। प्रमुख अभिप्रायों में लहरदार, सीधी धार या संकेंद्रित जो वृत्त है, ठीक है, और अर्धवृत्त है, यानी कि अर्धवृत्त आर को बोलते हैं, और आड़ी बेड़ी रेखाएं उल्लेखनीय है। मतलब ये जो लहरदार सीधी रेखाएं हैं, संकेंद्रित यानी कि कॉन्सेंट्रिक जो सर्कल हैं, जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब है, मतलब कैसे बताऊं मैं आपको, मैं आपको कोई चित्र को दिखा दूंगी, खोज के तो बस बनाएंगे कि कैसे होते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है, और आर्क यानी कि अर्धवृत्त, तो आपको समझ में आएगा। जैसे ये वृत्त है गोल और उसको आप आधा बना के दे तो ये अर्धवृत्त है, और आड़ी तेल रेखाएं बर्तनों पर बनी होती थी, ठीक है। अब हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में ताम्र पाषाणिक संदर्भ यानी कि मध्य भारत में कहाँ कहाँ मिला इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको लेके अगर आपकी कोई क्वायरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। फिर मिलते हैं, सी यू देन, टेक केयर।